तो वही बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले पर पिकनिक मनाने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले से 35 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं 20 घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी ईद के दूसरे दिन पिकनिक मनाने असीरगढ़ किले पहुंचे थे। वहीं किले में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया। क्या ईद का त्यौहार है, सब अपने अपने घर से दोस्त लोगों के साथ पिकनिक मनाने गए थे आसिर किले के ऊपर। मधुमक्खियों के कुछ छत्ता लगा होगा, शहद वहद कुछ इन्हें हरकत करा नहीं करा, तो उसमें 30-35 लोगों को शहद की मक्खियों ने काटी। बड़ी गंभीर विषय है, शहर के बहुत सारे लोग हैं, बाहर के भी हैं, कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए। तो अभी अस्पताल में क्या इलाज करवा रहे हैं? इलाज लगे, सब डॉक्टर लगे हुए हैं, सब भागा दौड़ी चालू, हम भी लगे हुए उसके अंदर। हाँ, डॉक्टर साहब से बात हो गई, MLC सब बना रहे हैं, इलाज चालू होगा अच्छे से। बस वहाँ जो फंसे हुए वो थोड़ी तकलीफ का काम है, उसमें भी पुलिस निम्बल है, पुलिस लगी हुई है भागा दौड़ी में। यार हमको आधे घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी असीरगढ़ के पास में शायद कुछ लोगों मधुमक्खी का कुछ हमला हुआ है। अब टोटल उन लोगों ने तो ज़्यादा बताया था हमको वैसे, पर हमारे पास अभी 8 के लगभग लोग हैं, 8-9 लोग हैं, इनको काटा है। थोड़े बहुत ज़्यादा सीरियस वाले नहीं है, एक दो है जिनको उल्टी उल्टी ज़्यादा हो रही है, बाकी सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, अभी सब स्टेबल है। कहाँ से आई ये असीरगढ़ के आसपास बता रहे हैं यार? कुछ कितने लोगों की जानकारी लगी घायल होने में? सुनने में आया था, जो फोन आया था उसके हिसाब से तो 30-35 बोल रहे थे वो, लेकिन हमारे पास अभी 8-9 लोग हैं आए हैं यहाँ तक।